नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, और नमस्कार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। थोड़ा सा गुस्सा है, गुस्सा क्यों है बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन टू सी सेट, इसको हम सीजी सी सेट कह लेते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीजी पीएससी में। माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, मुझे लग रहा है कि ये सीजी सीसेट ना होकर ये सीजी कैट, कैट का पेपर होना चाहिए। और सीजी सीसेट बराबर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, सीजी सीसेट्स के अपोज में है आर्ट्स कॉमर्स बायो। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग इन विषयों के छात्रों को बाहर करना चाहती है प्री के स्तर से ही। किस तरह का सीसेट का पेपर सेट हो रहा है? कैट के स्टूडेंट्स आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, या आप ये मानते हैं कि केवल इंजीनियर ये कुशल प्रशासक बन सकते हैं, इन बेचारे इनमें प्रशासन का गुण ही नहीं है? किस तरह का पेपर सेट हो रहा है? माना कि क्वालिफाइंग आप नेचर है उसका कि जनरल को 33% और ओबीसी एससी एसटी को 23%, तो आपको नहीं लग रहा है। और यहां पर एक और वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, वो भी बता रहा हूं, इन विषयों के जनरल के छात्र, इनके साथ तो न्याय हो ही रहा है। इन विषयों के चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उन सारे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और जनरल छात्र खासकर जिनको 33% मार्क्स जो है प्री में चाहिए होता है, वो यहाँ है, उनके साथ तो और अन्याय हो रहा है। वो तो सी सेट में बेचारे छट जा रहे हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट कॉमर्स के स्टूडेंट छट जा रहे हैं। 23% ओबीसी को चाहिए और 33% एक अनरिजर्व छात्र को चाहिए। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा, वो ओबीसी हो, वो जनरल हो या और कोई हो, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता। फिर भी जनरल में, चलिए मैं यहाँ मान लेता हूँ कि भाई जनरल का जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट होगा 33% ही मस्ट स्कोर 33% एटलीस्ट। ओबीसी 23%, एससी एसटी अगर वो इंजीनियर है तो उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन इन विषयों को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यूपीएससी समेत छत्तीसगढ़ पीएससी भी इन सारे विषय के छात्रों को यहां से बाहर करना चाहती। क्या विशेष प्रेम है इंजीनियरिंग से? ऐसा है कि सारे जो, और वो गांव के छात्र जो सुविधा ना होने की वजह से ऐसे विषय में ग्रेजुएशन करते हैं, क्या इनमें कुशल प्रशासक का गुण नहीं होता है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो अब तक जानता था कि यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, ये जर्नलिस्ट सेवा है, सामान्य सेवा है, जिसमें एक कुशल प्रशासक ढूंढा जाता है जो इस विषय का भी हो सकता है, इसका 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 भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पेपर सेट किए जा रहे हैं, मुझे लगता है आप तो कैट स्तर का कैट ढूंढना चाह रहे हैं आप, या आप एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल के जो मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह का पेपर सेट कर रहे हैं आप। माना कि क्वालिफाइंग है, आपको थोड़ी सी रीजनिंग एबिलिटी चाहिए, इतना टफ रीजनिंग एबिलिटी कुशल प्रशासक के लिए नहीं चाहिए इन छात्रों को। या फिर आप नोटिफिकेशन में लिख दिया कीजिए, आर्ट्स कॉमर्स बायोलॉजी के छात्र जो है पीएससी में ना बैठे, क्योंकि हम आपको सी सेट से छांट देंगे। चलिए ठीक है, ओबीसी के छात्र एससी एसटी वो शायद कुछ हद तक हिंदी और बोली के भरोसे और कुछ रीजनिंग के भरोसे शायद क्वालिफाई कर जाए, लेकिन जनरल का छात्र तो वो यहां भी मार खा रहा है। कुल मिलाकर जो मुझे देखने में आ रहा है कि ये जो 33% आपने जनरल के लिए सी सेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, ये सरासर अन्याय लगता है मुझे। 23% तो इजी, 23% गेटेबल है, क्योंकि इतना हिंदी और बोली आ जाता है, लेकिन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए इतना परसेंट, इतना नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल है। और 23% मार्क्स से मुझे लगता है कि बहुत सारे जो है एससी एसटी छात्र भी जो इन क्षेत्र के होंगे, वो भी शायद 23% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, आप इनको फेवर कर रहे हैं और इन सब को आप बोल रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सिविल सर्विसेज, यू डोंट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, केवल इंजीनियर के पास होता है। क्योंकि संभ्रांत परिवारों के बच्चे या तो नीट में क्वालिफाई कर जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग ही करते हैं,
और मुझे लगता है कि सारे संभ्रांत और जो क्लास वन क्लास टू अधिकारी हैं उनके बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं तो सीधे उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। जो गांव के जो गरीब छात्र हैं जो उन तले पैसों की वजह से इंजीनियरिंग नहीं कर पाते या चलिए उन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड ही नहीं चुनी तो क्या इनको मृत प्राय घोषित कर दिया जाए, आर्ट्स कॉमर्स इनको सिविल सर्विसेज के लिए मृत प्राय घोषित कर दिया जाए। यदि आप ऐसा कहेंगे कि इनके लिए और क्षेत्र हैं तो इनके लिए ये अपने इंजीनियरिंग का क्षेत्र छोड़कर सिविल सर्विसेज में क्यों आए, जो नीट क्वालिफाई करके जो डॉक्टर्स MBBS वो सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में क्यों आए, उनको छूट है, इनके लिए क्या है, इनके लिए क्या है, लिमिटेड ऑप्शन है इनके लिए। अच्छा चलिए ऑप्शन की बात भी मैं छोड़ दूं तो सिविल सर्विसेज हम लोक प्रशासन में पढ़ते हैं इज अ जर्नलिस्ट सर्विस, सामान्य सेवा है। ये सामान्य सेवा की बजाय मुझे लगता है विशेष सेवा बनती चली जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक आग उठने वाली है CSET को लेकर, जैसे दिल्ली में UPSC को लेकर उठा था। मैं आपको बता दूँ UPSC जो CSET क्वालिफाई कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के CSET में शायद फेल हो जाएं, वो शायद इन वर्गों के वर्ग के छात्र जो UPSC CSET क्वालिफाई कर लेते हैं छत्तीसगढ़ CSET पेपर क्वालिफाई ना कर पाए 33%। माफ कीजिएगा लेकिन एक अन्याय हो रहा है। यदि आपके नज़र में नहीं आया तो मैं आपके नज़र में डाल रहा हूँ और बहुत जल्दी शायद इस पे जो है छात्रों की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, खासकर इस वर्ग के छात्र जो मेंस के लिए अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, जो मेंस में जो आपका सिलेबस है उसके लिए अच्छे प्रिपेयर्ड हैं। पहले मैथ्स 200 नंबर का था, साइंस 200 नंबर का था, तब भी ये बेचारे मार खा रहे थे। चलिए उधर सुधार किया आपने लेकिन ये बेचारे जो मेंस के लिए अच्छे प्रशासक के गुण हैं इनमें, ये इनकी अच्छी लेखन शैली है, अच्छी बुद्धिमत्ता रखते हैं, अच्छे कुशल प्रशासक की बुद्धि रखते हैं, ये बच्चे तो प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे। ये पैटर्न आपको सुधारना होगा, छत्तीसगढ़ सरकार को इस विषय में ध्यान देना होगा और सारे छात्रों, खासकर इन स्ट्रीम के छात्रों, आपको भी शायद आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिना आवाज़ उठाए कुछ होता नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। और कट ऑफ के विषय में जो है पोलिंग हो रही है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कट ऑफ के लिए एक रुझान दे देता हूँ। मैं जनरल 45% डन नज़र आ रहा है अभी के हिसाब से, डन है, वो उससे नीचे भी जा सकता है, वो कल तक रुझान क्लियर हो जाएगा। जनरल गर्ल्स 42% डन, ओबीसी 42% प्लस डन, ओबीसी फीमेल 39-40% डन, एससी बॉय वो भी लगभग यहीं कहीं रहना चाहिए 78-80%, एससी गर्ल 75%, रफ मैं बता रहा हूं आपको, एसटी बॉय 75%, एसटी गर्ल सॉरी परसेंट नहीं, ये मैं आपको नंबर में आ गया मैं यहाँ से, सॉरी मैं नंबर में बताता हूँ आपको, नंबर में बताता हूँ, इससे गड़बड़ हो जाएगा, मैं नंबर में आपको बता रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा धीरज रखें। एग्जैक्ट मैं आपको कल बताऊंगा, पोलिंग चल रही है, मैं अपने स्टूडेंट से केवल संख्या को देखते हुए यदि बताऊंगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, मैं वो नहीं बताना चाहता। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं मैं इसे, देखिए जनरल बॉय 45% 90 प्लस लग रहा है, जनरल गर्ल 85 प्लस लग रहा है, ओबीसी बॉय 85 प्लस हो लग रहा है बिल्कुल, ओबीसी गर्ल 80 प्लस लग रहा है बिल्कुल, एससी बॉय 80 प्लस लग रहा है बिल्कुल, एससी गर्ल
75 प्लस लग रहा है बिल्कुल, एसटी बॉय 75 प्लस लग रहा है बिल्कुल, और एसटी गर्ल 70, थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा मुझे, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा गिरेगा, ये 72 प्लस और ये 65 प्लस, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो दिखेगा वो ये दिख सकता है कि दो नंबर ऊपर दो नंबर नीचे, दो नंबर ऊपर दो नंबर नीचे, इन वर्गों में यहाँ जो भी खेल हो सकता है शायद दो नंबर ऊपर यहाँ चला जाए, लेकिन मुझे फिलहाल लगता है कि अगर इतना है आपका तो होना चाहिए। वो चाहे आप विलोपित हो, आप सोचेंगे कुछ प्रश्न विलोपित होंगे कुछ बदलेंगे, तो वो सबके साथ होगा लगभग, वहाँ पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। और सी सेट, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मैं 50% प्लस सोच रहा था, लेकिन सी सेट को देखते हुए मैं नीचे उतर आया हूँ कि इतने तो हो जाने चाहिए एकदम कन्फर्म। और मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें चांस 90% चांसेस है। अच्छा, कुछ लोगों का मैंने सोचा कि जनरल 80 में हो जाएगा, तो माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि ये गलत होगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन होगा तो गलत होगा, क्योंकि कोचिंग इस समय मेंस के लिए स्टूडेंट बटोरने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देती हैं। अब अगर ऐसे देखा जाए तो भाई 80 ऐसा नहीं है कि 80 जनरल, एक तो जो है अनरिजर्व सीटें हैं जिसमें OBC मार ले जाते हैं, जिसमें कुछ SC ST मार ले जाते हैं, और आप सोचेंगे कि उसमें 80 आ जाए तो सिर्फ ये थोड़ा मुझे चालाकी लगती है, हो भी सकता है, लेकिन अभी तक की स्थिति में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जो मेरे स्टूडेंट के रुझान मिले हैं और वो उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है, ठीक है। फिर भी एक्चुअल कट ऑफ के साथ शायद मैं कल रात तक आपके पास आ जाऊं और ज़्यादा पुख्ता जानकारी हो जाएगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और सी सेट के विषय में सोचना शुरू कर दीजिए, सरकार को भी सोचना होगा, सी सेट गलत किया जा रहा है, कुछ वर्ग के छात्रों के साथ, निर्धन छात्रों के साथ, या कुछ विषय विशेष के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और ये सही नहीं है।